अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो कतर से खबर आ रही है दोस्तों, PSCC जो है दोस्तों मॉडर्ना जो वैक्सीन है उसकी दोस्तों वहाँ पे सहमति दे दी है। दोस्तों तीन हेल्थ सेंटर में मॉडर्ना, कतर के दोस्तों तीन हेल्थ सेंटर में वहाँ पे मॉडर्ना वैक्सीन देने के लिए वहाँ पे इंतजाम कर लिया गया। दोस्तों ये मॉडर्ना जो वैक्सीन है वो मंडे से पढ़ना सभी को स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी तीन हेल्थ सेंटर में दिया गया, बताया गया कि बहुत ही जल्दी और सभी हेल्थ सेंटर में ये दे दिया जाएगा। अगली जो खबर साथियों जो आ रही है दोस्तों, कतर एयरवेज की तरफ से दोस्तों वहाँ फ्लाइट जो है वो स्टार्ट कर दी गई है सियालकोट के लिए। तो दोस्तों 2 मार्च से ये फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी कतर एयरवेज की तरह। दोस्तों कतर एयरवेज ने दोस्तों ट्वीट करके बताया दोस्तों और बताया कि 2 मार्च से सियालकोट के लिए जितनी फ्लाइटें जो फ्लाइटें वगैरह जो वो स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि लोगों को जो दिक्कत परेशानी है जो आ रही है वो कम हो जाए। अगली खबर जो आ रही है, कतर नेशनल लाइब्रेरी अलाउ विजिटर टू 16 ईयर ओनली आफ्टर COVID-19 वैक्सीनेशन। दोस्तों कतर नेशनल जो लाइब्रेरी है उन्होंने 60 साल वाले को दोस्तों वहाँ पे एंट्री देना स्टार्ट कर दिया है। पर दोस्तों उनका उसका एक शर्त होगा कि जो लोग COVID-19 का जो वैक्सीन ले चुके हैं बस उन्हीं को अंदर आने की सहमति होगी। यदि आपका 60 साल की उम्र है तो यदि आपने वैक्सीन अभी तक नहीं, तो साथियों यदि आपका 60 साल हो चुका है, यदि आपने COVID-19 का दोनों डोज जो है वो यदि आपने ले चुका है तो दोस्तों आप कतर जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पे एंट्री आप ले सकते हो, आपको नहीं रोका जाएगा। पर दोस्तों यदि आपने अभी तक उसका जो COVID-19 का यदि आपने डोज अभी तक नहीं लिया है तो आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली खबर साथियों आ रही है, कतर स्ट्रांगली कॉन्डम अटैक ऑन मोटर कार इंटरव्यू मिनिस्टर ऑफ लिबनान। दोस्तों कतर ने बहुत ही अपना दुख व्यक्त किया है दोस्तों, जो लिबियान में जो वहाँ पे अटैक जो हुआ जिसके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके बाद वहाँ पे कतर ने इस पर काफ़ी दुख अपना व्यक्त किया है। अगली खबर साथियों जो आ रही है दोस्तों, QRCS यानी दोस्तों कतर रेड क्रेसन जो सोसाइटी है उन्होंने दोस्तों 42,000 रिफ्यूजी के बांग्लादेश को मदद किया, जो कि खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें और ठंड की जो भी चीज़ें दोस्ती होती है वो सब मदद किया है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि कतर जो है हमेशा वो दूसरे गरीब देशों को मदद करती रहती है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, कुवैती, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कुवैत में वहाँ पे 2 हफ्ते के लिए फ्लाइट को वहाँ पे बंद कर दिया गया था। बताया गया था कि 21 फरवरी के बाद से वहाँ पे कुवैत में सभी को एक्सपर्ट को एंट्री मिल जाएगी। पर दोस्तों DGCA द्वारा वहाँ पे कल मीटिंग हुई तो दोस्तों वहाँ फैसला ले लिया गया सिर्फ कुवैती सिटीजन को ही वहाँ पे एंट्री मिलेगी और नॉन कुवैती यानी दोस्तों जो एक्सपर्ट है, वर्कर है, लेबर को वो अभी भी दोस्तों वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी जब तक कोई फर्दर नोटिस यानी कोई अगला नोटिस जब तक तक नहीं आ जाता है तब तक उनको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। अगली दोस्तों खबर जो आ रही दोस्तों वो वीज़ा को लेकर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई मैं क्या अभी कतर का वीज़ा मिल रहा है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, कतर का वीज़ा फिलहाल अभी नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, अभी फिलहाल इस महीने कतर का वीज़ा बंद रहेगा। अगले महीने से दोस्तों कोई इस पर कोई अपडेट आती है तो दोस्तों मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा, क्योंकि फिलहाल अभी कतर का कोई वीज़ा भी इशू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस को बढ़ाव को देखते हुए दोस्तों ये फैसला लिया गया है। अगली खबर साथियों जो आ रही है दोस्तों, बताना चाहूँगा आज वहाँ का दोस्तों मौसम है दोस्तों, 3 से 4 दिनों तक वहाँ पे काफ़ी ठंड रहेगी दोस्तों। कल संडे था दोस्तों, कल वहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। यदि आप कतर में रह रहे होगे तो कुछ एरिया में बारिश वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हो रही थी, हवाएं जो थी काफ़ी तेज़ चल रही थी। बताया गया मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि करीब 22 से 32 नॉट तक स्पीड हवा की स्पीड होगी और काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। तो दोस्तों कुछ अपडेट थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।